क्या हुआ? आई डोंट नो, मैंने चीख सुनी और मैं सिक्योरिटी रूम में गया तो प्रोमिला वहां पे बेहोश पड़ी हुई है। आप यहीं रुकिए। बट मैंने कहा ना, आप यहीं रुकिए। पंडित सर, मैं आ ही रहा था। मैं जब भी आपको बुलाता हूँ आप आ ही रहे होते हैं। इनको स्ट्रेचर में लेके बेडरूम में आइए। ओके सर। ध्यान से हैं। क्या हुआ? Is she all right? देखिए, हम अक्सर जो कोशिश करते हैं वो हमेशा हो नहीं पाता। सॉरी, जब आपने इनकी चीख सुनी तो कहां थे आप? मैं ऊपर कमरे में था। अच्छा, और जब आप इस कमरे में आए तो क्या देखा आपने? मैंने देखा कि प्रोमिला नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। तो फिर आपने क्या किया? आई डोंट नो, मैं घबरा गया एंड आई वाज जस्ट मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। क्यों? आपको बुलाने के लिए। अरे नहीं, आप समझे नहीं, आप घबरा क्यों गए थे? वो एक्चुअली जब प्रोमिला को मैंने नीचे बेहोश देखा तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, तो मैं बस घबरा के आपकी तरफ आ रहा था। मुन्ना की लाश को देख के तो आप नहीं घबराए थे? आप तो लड़ाई कर रहे थे, अपना कमरा साफ कर रहे थे। वो दरअसल, बट यहाँ पे जब मैंने उसे नीचे देखा आई डिडंट नो व्हाट टू डू, तो मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास आ रहे थे या आप भाग रहे थे? क्या हो रहा है? Is everything okay? प्रॉब्लम है, किसी ने अटैक कर दिया और वो नीचे बेहोश पड़ी हुई है। ड्रामा शुरू। तो किसने? I don't know. मैंने नहीं देखा। तूने देखा नहीं? अरे हो सकता है उसी ने मुन्ना को मारा हो। अरे भाई, उस कमरे में आईना नहीं था ना, तो ये कैसे देखते? ये तो अटैक करने में बिजी थे। देखिए मिस्टर पुजारी, बहुत हो गया। कभी आप कहते कि मैंने मुन्ना को खून किया, कभी आप कहते कि मैंने प्रॉब्लम पे अटैक किया। दी थी मैं साइकिक किलर। बहुत हो गया। This is my house, all right? चलें। आप यहीं रुकिए, थोड़ा ठंडा पानी वानी पीजिए, पसीने आ रहे हैं। मैडम आप आइए मेरे साथ।
मालूम पड़ा क्या? क्या रे? अरे वही वो जो पुजारी के साथ जो लफड़ा करती रहती है ना हमेशा, उसका नाम क्या है रे? प्रमिला। हाँ हाँ वही प्रमिला। अरे उसके ऊपर किसने अटैक किया रे? अटैक बोले तो? अटैक बोले तो वार, वार करके मारने की कोशिश की रे। क्या बात कर रहा है तू? मगर किसने? क्या मालूम नहीं, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन प्रमिला के ऊपर भला कोई क्यों अटैक करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरना काहे को है, अपुन लोगों ने थोड़े कुछ किया है तो डरने का, पोकड़ में जो किया है वो डरने के लिए काफी है। क्या मतलब है तेरा? क्या किया है हम दोनों ने? देख पिंकी, मुझसे कोई बात छिपी नहीं है। मुन्ना के साथ तेरा क्या था क्या नहीं सब जानती हूँ मैं। लेकिन सच तो ये है कि तू दोनों को इस्तेमाल कर रही थी। एक तरफ मुन्ना को धोखा दे रही थी तू, और दूसरी तरफ इसको बहका रही थी। बकवास मत कर। क्यों, इसके सामने सच नहीं बोलू क्या? अरे क्या बकवास कर रहे हैं तुम लोग, अपने को जितना पता था उससे ज्यादा जानने का नहीं है क्या? अपने को डर लग रहा है, पहले ये मर्डर बाद में मारने की कोशिश, पता नहीं क्या होगा, ये चक्कर क्या है? फिर मान परी पता क्या हुआ, बस स्टॉप पे उस लोफर को ना मैंने चप्पल से मारा। मैंने भी चप्पल से मारा था। किसको? अरे मेरे छोटे बेटे को, बहुत शैतान अपने बाप पे गया है। अच्छा। ए चल ना उससे चल के पूछते हैं, वही पुलिस वाले की चहेती। चल। ए मानपरी, तेरे मुंडे का नाम क्या है? मुंडा बोलो तो। लड़का। इठल नाम है। हाँ ये बड़ा अच्छा नाम रखा। ए कमला भाभी। हैं? थोड़ी देर पहले तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी, अब बड़े अदब से बात कर रही है। तू पुलिस वाली बन गई है ना इसीलिए। हाँ याद आ गया। बोल क्या बात है? अरे तुम लोगों को मालूम है क्या वो प्रमिला पे जो अटैक हुआ था किसने किया था? हाँ मालूम है, फिर बोल आगे। तुम्हें मालूम है कि किसने किया था? हम दोनों में से तो किसी ने नहीं किया था। तो हम कब कह रहे हैं कि तुमने किया था? वैसे ना मेरा मन बड़ा था कि ये काम हम दोनों में से कोई करता। मेरा तो दिल करता था उसके बाल खींच के ना उसका मुंह नोच लूं मैं। मेरे को भी ऐसा ही हुआ था, वो अंग्रेजी में कटर पटर करती है ना, तो मेरे को भी लगा उसके दांत तोड़ दूं, कान के नीचे ऐसा ही बजाऊं। वैसे तुम लोगों का नहीं दिल किया था है? अपुन लोग क्या पूछ रहे हैं और ये क्या बोल रही है? तुम दोनों में से किसी को पता है कि प्रमिला पे अटैक किसने किया था? वो हमें क्या पता? साला पता नहीं इधर क्या हो रहा है। ओए उस बेचारी को अकेले क्यों छोड़ दिया? अरे वो बात थोड़ी ना करती है, जब भी बात करने जाओ तो काटने को दौड़ती है। ए बियर बार खबरदार उसको कुछ कहा तो, अगर तेरे साथ ऐसा हुआ होता ना तब तेरे को पता चलता। तो हमने कौन सा उसका खून किया है? हां ये तो भगवान ही जानता है। मानपरी तू यहाँ बैठ, मैं उससे जरा बात करके आती हूँ। तू इतनी उदास क्यों बैठी है? कुछ नहीं ऐसी। ले ऐसे थोड़े करते हैं, चल मैं तेरे को कुछ बताती हूँ, आ जा आ जा। ए मनभरी तूने क्या मुन्ना की लाश देखी है? अरे पागल है क्या? अरे इसमें पागलपन वाली क्या बात है? मंजे लाश को देख के काय कर रहे थे? करना क्या है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी एक बार तो। पर क्या, तूने तो देखी है ना उसकी लाश। अरे देखा तो अपुन भी है रे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार अपुन चल के देखते हैं ना वहां पे। नहीं नहीं मेरे को नहीं आने का है। ए तू चलेगी क्या? हाँ मैं जाऊंगी तेरे साथ, मैं चौधरी और नारियल को लेकर आती हूँ। अपन को लगता है अपने को चलना चाहिए रे। काय फायदा, अगर वो पुलिस वाले ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेगा, उसको नहीं मालूम पड़ेगा, चलना रे जाएंगे रे। भरत मैं चलती है, लेकिन अगर पुलिस वाले ने पकड़ा ना तो मैं बोल देगी कि तूने बोला था बोल के मैं आई हूँ। हाँ चल चल चल। मत आइए। अरे तमन्ना जी बैठिए ना। आपको नहीं लगता कि बैठने के बजाय हमें प्रमिला के पास होना चाहिए? प्रमिला? देखिए आप प्रमिला जी की फिक्र मत कीजिए,
चमड़ी बड़ी मोटी है उनकी। चमड़ी? What kind of language is this? Atrocious is the word, madam. वाहियात। Okay. Let me put it this way. मैं प्रमिला के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? प्रमिला से बहुत प्यार है आपको, नहीं? प्यार? वो भी प्रमिला के साथ? पंडित, होश आया प्रमिला जी को? नहीं सर। अरे तो फिर उन्हें ऊपर लेके आओ ना यार। हाँ सर। प्रमिला जी आ रही हैं, आप बैठिए तो। No, I'm okay. Thank you very, very, very much. वैसे आप प्रमिला जी को कब से जानती? जब से वो यहाँ पार्टी में आई हैं, तब से। Are you sure? आपको कोई शक? नहीं भाई, मैं शक करके क्या कर लूँगा? Thank you. वो तो आप जो कहेंगी उसी पे यकीन करना पड़ेगा। थैंक यू। लेकिन एक बात कहूँ, साला यकीन ही नहीं होता। Well, there's nothing much I can do about that, is there? I know, I know, I know. You're helpless. What? मतलब? ओ, कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। तमन्ना जी, आपको देखता हूँ ना तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि आप जैसी भोली भाली सूरत वाली खून कैसे कर सकते हैं? खून? और मैं? मैं और खून? Stupid. Well, you never know. You see, world is full of surprises, don't you think? मिस्टर पुजारी, हाँ पंडित, होश आया प्रमिला जी को? होश आ रहा है सर। हाँ तो यार जल्दी लेके आओ ना ऊपर, हम इंतजार कर रहे हैं। प्रमिला जी को होश ही नहीं आया अभी तक, लेकिन आ रही हैं वो। आप बैठ क्यों नहीं जाती? No, I'm just fine, thank you. What? Is she going to be okay? Well, let's hope she's okay. वरना एक और केस बन जाएगा और इस बार तुम माथा पच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सब पता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिलीप ने प्रमिला के ऊपर अटैक क्यों किया। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही, आपको क्या लगता है क्यों अटैक किया होगा? आप ये सवाल दिलीप से क्यों नहीं पूछते? आपको क्या लगता है इतनी आसानी से दिलीप बता देगा? मेरा मतलब है इतनी आसानी से सच उगल देगा? काश मुझे सच्चाई मालूम होती तो मैं आपको जरूर बताती। देखिए तमन्ना जी, क्या है कि कई बार हमें सच्चाई का आभास होते हुए भी ये पता नहीं रहता कि हम सच्चाई जानते हैं। यू नो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ जाए। पता नहीं वो दिन आएगा भी कि नहीं। अब देखिए तमन्ना जी, आपके और मेरे समझने से क्या होता है, सच्चाई तो जो है वही रहेगी। हाँ ये और बात है कि मुझे क्या पता है और आपको क्या पता है, इसमें फर्क हो सकता है। मेरी समझ में कुछ तो आ रहा था, पर दिलीप ने प्रमिला पर अटैक करके
मुझे कंफ्यूज कर दिया है। दैट इज अगर दिलीप ने प्रमिला पर अटैक किया है तो क्या समझ में आ रहा है आपको? तमन्ना जी, आप मुझे हर सवाल दो बार पूछने पे क्यों मजबूर करती है? बताइए ना, क्या समझ में आ रहा है आपको? यही कि मुन्ना का खून सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया गया था। आपको फंसाने के लिए? हाँ बिल्कुल। और आपकी समझ की वजह? अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो आपको क्राइम ब्रांच में रहना ही नहीं चाहिए। अजी, कौन कम वक्त रहना चाहता है यहाँ? मेरा बस चले तो मैं तो मुंबई छोड़ दूं, हिमाचल प्रदेश चला जाऊं। हिमाचल में एक छोटा सा गांव है चंबा, वहाँ की आबो हवा बड़ी प्यारी और वहाँ के लोग बड़े भोले भाले। बस वहाँ जाके खेती बाड़ी करके शांति से बाकी की जिंदगी गुजर जाए। What is the connection? हम क्या बात कर रहे हैं? Do you think I really care कि आप कहाँ रहना चाहते हैं? You don't? अब देखिए, एक तो आप अपनी पूरी बात बताती नहीं, फिर कुछ ऐसी बात छेड़ देती हैं जिससे मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं आपको अपनी बात सुनाने लग जाता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। कुछ तो बताइए। क्या बताऊं? क्या बताऊं? आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि this was all planned? मैं सिर्फ एक शानदार पार्टी चाहती थी, right? और इस पार्टी को दिलीप ने ऐसे अरेंज की। Why? मैं चाहती थी कि इस शहर के क्या, इस देश के बड़े बड़े लोग आए इस पार्टी में। और किस तरह के लोग आए? I can't even describe them. You know, ये कहाँ से शुरू हुआ? आपसे? मुझसे नहीं, दिलीप से। And next in line was Pramila. Pramila ने मुन्ना को ही क्यों बुलाया इस पार्टी में? क्यों बुलाया? Isn't it obvious? Don't you see the game? तमन्ना जी, all I see is a murder. The murder was the game. मुन्ना को सिर्फ इस पार्टी में इसलिए बुलाया गया था ताकि उसका मर्डर कर दिया जाए और मुझे फंसाने की कोशिश की जाए। आपका मतलब है कि मुन्ना का कत्ल दिलीप ने किया है? Yes, मुझे तो कोई शक नहीं है। I don't know about you. अजी, मेरे शक की तो पूछिए ही मत। दिमाग घूम गया मेरा। मुझे तो कभी कभी आप पे भी शक होता है। मुझ पर? Why? I don't know. हो सकता है प्रमिला पे आपने अटैक किया हो। मैं प्रमिला पर अटैक क्यों करूंगी? In fact, जब इसके ऊपर अटैक हुआ था तो मैं सिक्योरिटी रूम के आसपास भी नहीं थी। I know that. I know. Then? तमन्ना जी, आप प्लीज जरा इस कमरे से बाहर जाएंगी। एक्सक्यूज मी, आप मेरे ही घर में मुझे अपने ही रूम से ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि ये मेरा कमरा हो। करेक्ट है, यही कर रहा हूँ मैं। नाउ वुड यू प्लीज गो, प्लीज लीव, प्लीज लीव। थैंक यू। बड़ा मजा आता है इनको तंग करने में।